मुझे यकीन है कि कौम इसमें इंशाल्लाह हमारा साथ देगी। हम जो है वो आगे बढ़ेंगे इसी मिशन पे, और मुझे लगता है कि कौम इसमें हमें पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। फीलिंग आपको आती है, मुझे भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आज हमने ये बात अगर की है और मैं नहीं कर रहा भाई, पूरी कौम कर रही है। देखना अभी बयान आया था, मैं बातें वो करूँ जो पर आपके बाद में टीवी पे चलती नहीं है, तो ये देख लें आप। कहने को मैं कहता सवाल तो आप पूछ लेते हैं मुझसे, नहीं सवाल आप पूछ लेते हैं, सवाल पूछ लेते हैं, बाद में जवाब नहीं आता वहाँ पर, चलता नहीं है। तो कि जी हम वी आर नॉट मेडलिंग इन टू पॉलिटिक्स, हम वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इन टू पॉलिटिक्स। फिर मौलाना फजल रहमान साहब को, अब्दुल गफूर हैदरी साहब को ये कहने की क्या ज़रूरत थी, ज़रा उसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ कि हम जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं वो हमें करने दें और उसमें आप मुदाखलत ना करें। तो मैं जानना हक रखता हूँ ना, मैं जानने का मुदाखलत कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं सियासत में मुदाखलत नहीं करते, दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं कि हमें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कर रहे हैं करने। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये अल्फाज कह रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुदाखलत ना करो। उन्होंने ये बात कही उस जज को, जैसे शौकत अजीज़ सदीकी को, जिन्होंने जाके पिंडी बार में कहा जी कि मैं ओथ पे ये कह रहा हूँ, और ओथ यानी कि अल्लाह ताला के नाम की ओथ ली जाती है, ओथ पे कह रहा हूँ, हल्फ पे कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने रिहाई नहीं देनी, और वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। 2 साल से लगे हुए थे मुझे गिराने के लिए, मुझे हटाने के लिए, मुझे सज़ा दिलवाने के लिए, मेरे ख़िलाफ़ केसेस बनाने के लिए। वहाँ जस्टिस जज बशीर मोहम्मद बशीर की अदालत में, और क्या कर रहे थे, उन्होंने पूछा उस सहाफ़ी को भी, मेरा ख्याल है कि फुल मार्क्स मिलने चाहिए, जिन्होंने बड़ी दलेरी के साथ पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, और दूसरा कि मुझे भी ज़रा हमें भी यहाँ पे अंदर दाखिला दिलवा दें। तो ये मुझे आप बताएं कि ये सब कुछ क्या है। और फिर अगर हम ये कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि भाई सबको एक ही छतरी के नीचे लाओ, कल शहबाज शरीफ को पकड़ा आपने, आज मैंने अपनी सी से ये बात की है, शहबाज शरीफ को आपने पकड़ा है जो अल्हम्दुलिल्लाह जद्दी पुश्ती अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है वो एक सनदी ख़ानदान के ताल्लुक़ रखता है, जो कि 1972 में जब नेशनलाइजेशन हुई है, अरबों रुपए के का कारोबार था मेरे वाले साहब का। तो उससे तो आप अपना उसको पूछगिछ करने से पहले आप पकड़ के ले गए हैं, अरेस्ट कर लिया, आपने जेल में डाल दिया है। तो ये मौसूफ जो हैं आसिम बाजवा, जनरल आसिम बाजवा, इन्होंने ये जो इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बना ली हैं और बेटे भी अरबों रुपए के मालिक और उनकी बेगम साहबा भी अरबों रुपए की मालिक, तो उनको तो कोई नैब नहीं पकड़ने आया, किसी अपना कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया, किसी ने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। वो कहते जी मैं इस्तीफ़ा देने गया, मुझे मेरा इस्तीफ़ा इमरान ख़ान ने वापस कर दिया। यहाँ बात के हो रही है जी एहतसाब की और सबका एहतसाब, ये फिर या तो फिर ये कोई और मखलूक है ये बाजवा साहब जो हैं, जो है ये आसिम बाजवा साहब, या फिर हम शूदर किस्म के लोग हैं जो अपना जिनको खुदा ना खास्ता ये समझा जाए कि जी अपनी अपनी इज़्ज़त ताबरू की कोई परवाह नहीं है, और जब चाहे इनको हथकड़ियाँ लगा दो, और वो एक स्पेशल क्लास का आदमी है कि कोई उसको हाथ नहीं डाल सकता। हमने जो बात की है ये बिल्कुल भाई कानून कायदे की बात की है, इंसाफ की बात की है, इसमें कौन सा मैंने कोई अल्फाज ऐसे कहे हैं। ये बात अगर हम नहीं कहेंगे मुल्क को लाकानूनीत में और नाइंसाफियों में, और क्या उसको गर्क कर देंगे हम अपना इन लोगों के
के अपना सामने जो अपना एक नहल बंदे को पकड़ के ले आए हैं, वो भी इलेक्शन रिग करके, कि हम मुंह पे टेप चढ़ा लें, हम इलेक्शन रिग हुए हैं, इलेक्शन में धांधली हुई है, तो ना कहें, ना कहें, क्यों ना कहें, क्यों डरें, किससे डरें और काहे को डरें। मेरे ख्याल है कि इन सब चीज़ों का नोटिस पूरी कौम को लेना चाहिए। और मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं अभी कोई खुदा ना खास्ता मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई बगैर सोचे समझे बात कर रहा हूँ, पूरी होश से मैं बातें कर रहा हूँ मैं। और मैं ये समझता हूँ जी कि इन लोगों को कटहरे पे लाना चाहिए कि किसने धांधली की, क्यों धांधली की और क्यों एक पार्टी को हरवाया, एक को जितवाया, वो भी पूरे मुल्क के वोट इकट्ठे करके, फाटा भी, MQM भी, दूसरे भी, इंडिपेंडेंट्स भी, और चार वोटों से आप उसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, चार वोटों की बढ़तरी से। ये सारे हार्ड फैक्ट्स हैं, रियलिटीज़ हैं भाई, रियलिटीज़ हैं ये, इनको ऐसे हम फाड़ के फेंक नहीं सकते। और इनका एक दिन हिसाब हो जाना है, और हिसाब होगा ये मुल्क सीधा होगा। मैं सब तासुर ये दिया जा रहा है कि आपकी जो तकरीर थी वो इदारों के खिलाफ थी। बड़ी मैंने सब ये तासुर दिया जा रहा है कि तकरीर इदारों के खिलाफ थी, कि आपने आईन और कानून की बालादस्ती की बात की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखो, भाई बात सुने, जो फौजी अफसर, फौजी जवान जो जाके वहाँ पे बॉर्डर्स पर लड़ते हैं, खंदकों के अंदर बैठ के अपना दुश्मन का मुकाबला करते हैं, जो पाकिस्तान का तहफ़ करते हैं, शहीद होते हैं या गाजी होते हैं, उनको तो नवाज शरीफ का सलाम। असल हमारी फौज ये है, लेकिन ये चंद लोग हैं भाई, चंद लोग जो उनके लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं, असल फौज के लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं, और फिर अपने लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं। हम चाहते हैं कि ये बदनामी का बायस ना बने, और ये अपना असल हमारी फौज वो है जिसको मेरा दिल तस्लीम करता है, मेरा मन तस्लीम करता है, मैं उसको सलूट करता हूँ। और उस फौज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कंट्रीब्यूट किया है, अरबों खरबों खर्च किए हैं हमने, एटमी कुवत अल्लाह के फजल करम से बनाया हमने, JS-17 हमने माशाल्लाह बनाया चाइना के साथ मिलकर, और ये जो जितने भी आपके जो इस वक्त ये जो मिसाइल्स हैं, आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने अल्लाह के फजल करम से तैयार करवाए, और ये जो टॉम हॉक है जो है, वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था, वो भी बलूचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफ़गानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे, एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बनाया। अपने अपने जो जी, हमारा तो अपना एक एहतसाब का निज़ाम है जी, दूसरा इदारा के जी हमारा अपना निज़ाम है जी, तीसरा के हमारा अपना निज़ाम है, तो फिर इस मुल्क के अंदर जो है वो सिर्फ़ एक ख़ास तबका, ये जो मीडिया है, ये जो अपना सिविल सोसाइटी है, और फिर पॉलिटिशियंस हैं, यही कुर्बान होने के लिए रह गए हैं, आम आदमी कुर्बान होने के लिए रह गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इक्वालिटी नहीं होगी वहाँ कभी तरक्की नहीं आएगी। ये मुल्क जहाँ आप खड़े हैं इसमें इक्वालिटी है, लिहाजा देखें आप तरक्की, हर तरफ आपको तरक्की यहाँ पे नज़र आती है, इंसाफ है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने पूछा था World War II में, और सर विंस्टन चर्चिल ने, किसी ने पूछा कि हम जंग जीतेंगे, तो जंग हो रही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसने कहा जी कि इज़ आर जुडिशरी फंक्शनिंग, तो उन्होंने कहा जी यस, कहते देन देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, वी विल विन द वॉर। अब कहाँ जुडिशरी, कहाँ जंग, लेकिन उसे जंग के साथ जुडिशरी को उसने अपना जो है ना वो रिलेट कर दिया, मिला दिया। तो जिस मुल्क के अंदर इंसाफ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, वो जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन जहाँ नहीं होगी वो हारेगा ही हारेगा। आज हमने ये मिशन उठाया है, खिदमत नहीं है हमारी भाई, और हमें फ़ख्र है कि हमने ये खिदमत की है, और आइंदा भी करते रहेंगे जी। क्रूज़ मैं टॉम हॉक कह रहा हूँ, क्रूज़ मिसाइल की बात कर रहा हूँ, और
वो मारा बलोचिस्तान में, अफगानिस्तान में था, गिर बलोचिस्तान में गया, हमने जाके पकड़ लिया उसको। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिमार्क्स दिए गए जस्टिस सिस्टम के ऊपर, आपने उसको थोड़ा सा हिंट तो दिया, अगर उसमें कुछ कहना चाहेंगे? मरियम ने तो बात ना उस पर दिल पे ऐसी बातें लगी हैं, बस मेरा ख्याल है कि जब दिल जख्मी हो ना तो फिर उस बारे में जरा जो आज आपने बात की सियासी तहरीक का जो आप फैसला किया है उन रिमार्क्स के लिए, लेकिन हमारे सामने बड़ा कॉज है सर, मैं पहले कह चुका हमारे सामने कॉज बड़ा है सर, मियां साहब इससे बड़ा है सर, मियां साहब अभी आप लीडरों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, हमारी पार्टी की बिल्कुल ये पॉलिसी नहीं है। आसिफ जरदारी साहब के लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, आसिफ जरदारी साहब हमारे पीडीएम का हिस्सा हैं और मैं उनका दिल से एहतराम करता हूं, और ये अपना जो है वो मुझे नहीं पता कि ये बयान उन्होंने दिया है या नहीं, लेकिन जो है वो मैं समझता हूँ कि जो मेरे दिल के अंदर जज्बात है उनके लिए मैं जरूर आ सकता। मियां साहब दामाद मंदर अंदर होगा, मियां साहब दामाद जनवरी में कहा जा रहा है कि आप वापस जाएंगे जब तक अतर किसी में डॉन लीक्स के खबर की बात की थी, अच्छा जी क्या वो खबर सच थी, और अगर वो खबर सच थी तो फिर आपने क्यों अपना एक वजीर हटाया, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई? उस पे लगा किसी और बात करेंगे।